नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर। लखनऊ से है जहां एक छात्र को रैगिंग की शिकायत करना एक छात्र को भारी पड़ गया। हजरतगंज के नेशनल इंटर कॉलेज का कक्षा 9 का छात्र है जिसने रैगिंग की शिकायत की, पर इस छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। दरअसल उस छात्र को अध्यापक ने बुरी तरह पीटा, फिर सीनियर छात्रों के सामने मुर्गा भी बनाया। तो वही मामले में पिटाई की शिकायत लेकर छात्र नेशनल पीजी कॉलेज पहुंचा, जहां पर कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने सिर्फ आश्वासन दिया। हुआ ये कि अभी मैं कुछ दिन पहले ही मेरा एडमिशन हुआ है, तो वहाँ के कुछ बड़े लड़के थे, तो उन्होंने मुझसे मतलब रैगिंग की और मेरे को मार रहे थे। तो मैंने पूछा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने पूछा कि जो भी नया बच्चा आता मैं उसके साथ ऐसे ही करते हैं। तो हम इसका विरोध करने प्रिंसिपल सर के पास गए, तो उन्होंने सर को बताया, तो वो मतलब सर आए तो उन्होंने मुझे और मारा। जी हाँ, मैंने किया। उसके बाद फिर कल मेरे मतलब आज मेरे पापा गए वहाँ पे, तो उनसे ये बोला गया तुम्हारे लड़के को इसलिए मैंने मारा कि वो 6th क्लास में एक लड़की पढ़ती उसको छेड़ रहा था। अलीगढ़ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के साथ अवैध उगाही और बदसलूकी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन ने मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और इंजीनियरिंग कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं पूरे मामले पर मजिस्ट्रेट ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत पत्र को गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच कमेटी गठित करते हुए कमेटी में अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा। इस संगठन के माध्यम से ये बात आ रही है, पहले भी हमने जो भी विद्यार्थी संगठन है एबीवीपी के लोगों को भी पहले भी कहा है, छात्र हित के जो भी मुद्दे आप सामने लेके आएंगे हम लोग उसमें खुद पहुंच करके और अपने जो भी अधिकारी हैं टीम बना कमेटी बना के जांच भी कराएंगे और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी कराएंगे हम लोग। जिला अस्पताल के आवासीय परिसर में उस समय सनसनी मच गई जब परिसर में रह रही एक स्टाफ नर्स का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद पूरे अस्पताल परिसर में सनसनी फैल गई। आनंद फानंद में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतारा और इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि शव के पास से सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा हुआ था कि बीमारी से तंग आकर लड़की ने आत्महत्या की। एक स्टाफ नर्स जो पूर्व में जिला चिकित्सालय मेल में पोस्टेड थी, वर्तमान में वो महिला चिकित्सालय फीमेल में महिला चिकित्सालय में पोस्ट हैं, तो उन्होंने रात में सुसाइड कर लिया, ये प्रकाश में आया है। और उन्होंने कुछ सुसाइड नोट वोट भी लिखा है, डेड बॉडी उनकी जो पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है। खबर देवरिया से है जहां के तहसील सलीमपुर थाना लार के अंतर्गत नेमा गांव में जमीन को लेकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि दो पक्षों में जमीन को लेकर जमकर मारपीट हुई जिसमें दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं गांव के लोगों द्वारा झगड़े को शांत कराया गया, लेकिन एक पक्ष इतना आक्रोशित हुआ कि एक पक्ष की झोपड़ी में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। खबर श्रावस्ती से है जहां श्रावस्ती जनपद में दो दिनों से आसमान पर काले बादल के साथ तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। आपको बता दें कि जनपद में बारिश ना होने से किसान काफी परेशान थे और धान की रोपाई में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं किसानों की धान की फसल सूख रही थी, लेकिन दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से फसलें लहलहाने लगी। बहुत अच्छा है, बहुत बारिश हुआ और धान के मानसून जो सूखा लगता था कि धान नहीं हो पाएगा, लेकिन आजकल ये मौसम देख के इतना हुआ कि अब धान बहुत अच्छा होगा। खबर हरदोई से है जहां मालिक की बेटी के साथ नौकर के इश्क लड़ाने और उसे साथ ले जाने के बाद जहरीला पदार्थ खिलाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि घर से काम के लिए निकली युवती को नौकर अपने साथ ले गया, जहां उसने युवती से घर से ज्वेलरी लाने की बात कही। युवती के इनकार करने पर युवक और उसके परिवार ने उसको जहरीला पदार्थ खिला दिया और फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने युवती को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये घर से गई काम के लिए, हम काम पे जा रहे हैं तो ये 7 बजे गई, हमने लोगों ने रास्ता देखी, दोपहर में खाना खाने आती थी 1 बजे,
जब ये नहीं आई हमने लोगों रास्ता देखा, जब मोहल्ले में पूछा कि आप क्यों वहाँ तो नहीं है, आप क्यों नहीं है, तो बच्चों ने वहाँ बताया कि एक लड़का आया मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया इसको। शाहबाद कस्बे में ही एक व्यक्ति ने आकर तहरीर भी दिया था कि हमारी पुत्री को वहीं शाहबाद के रहने वाले दिलावलपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने, लड़का है उसकी उम्र करीब 22 साल है, वो हमारी पुत्री को हमारे घर से बैठा के मोटरसाइकिल से ले गया। इस पे 366 का अभियोग पंजीकृत किया गया, किंतु शाम को ये ज्ञात हुआ कि उस महिला को किसी ने कुछ खिला दिया, उसको CST ले गए। खबर गाजियाबाद से है, जहां के थाना टोनिका सिटी इलाके में एक अधिवक्ता के घर के बाहर असामाजिक तत्वों ने काले रंग से क्रॉस बनाकर सर तन से जुदा की धमकी देते हुए गाली गलौज से भरा पत्र चस्पा कर दिया। कुछ कागज घर के अंदर भी फेंके गए हैं। घर के बाहर चिपकाए गए इस कागज में नुपुर शर्मा और कन्हैया लाल के समर्थन करने पर वकील को धमकी दी गई है। इस पूरे मामले की शिकायत सत्येंद्र भाटी ने टोनिका सिटी थाने में दी है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अधिवक्ता को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई है। पुलिस अब CCTV और सर्विलांस की मदद से जल्द खुलासे की बात कह रही है। थाना टोनिका सिटी में सत्येंद्र भाटी नाम के एक व्यक्ति ने कल सूचना दी कि उसके घर पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें उसे धमकी दी गई है और उसने जो कन्हैया लाल की हत्या हुई थी उदयपुर में उसके विरोध स्वरूप उसने 9 तारीख को अपने यहाँ अपनी सोसाइटी में, आसरा सोसाइटी है, उसमें उसने कैंडल जलाया था। एक पोस्टर कल सुबह उसके घर पर चस्पा हुआ मिला जिसमें उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस सूचना पर थाना पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया। अभियोग पंजीकृत करने के साथ ही उसे सुरक्षा उपलब्ध करा दिया गया है। खबर हरदोई से है, जहां बावन की गौशाला में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और गौवंशियों की दयनीय स्थिति पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की। वहीं इस मामले को लेकर सभी अधिकारियों ने गौशाला में कर्मियों की जांच की और ADM ने गौशाला के कर्मचारियों और अन्य संबंधितों को फटकार लगाई। चल रही है और कई सारे जो शव मृत जो है हमारे गौवंश पड़े हुए हैं और उनके ऊपर कुछ प्रक्रिया नहीं हो रही है। चारे के नाम पे जो इस प्रकार से डाला जा रहा है, जो गौवंश खा नहीं रहे हैं और चारे के जो उसमें है इसमें गोबर मिला हुआ है, चन्नियों में गौमूत्र है, गोबर है इत्यादि पड़ा हुआ है और किसी को भी संज्ञान में नहीं है। किसी भी अधिकारी ने उसको संज्ञान दिया। आज प्रशासन को सूचना दी गई, उसके बाद बजरंग दल के निरीक्षण के बाद में सूचना दी गई, उसको संज्ञान में लिया है शासन ने। आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होगी और हम आशा करते हैं जो भी दोषी पाए जाए उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए और साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की गौशाला में अनियमितताएं ना हो और हम प्रशासन से मांग करते हैं कठोर कार्यवाही की जाए। सूचना प्राप्त हुई थी कि बावन गौशाला में पानी भरा हुआ है, जिसके क्रम में BDO मैं और तहसीलदार मौके पर मौका मुआयना करने आए हैं तो पाया गया है कि गौशाला में पानी नहीं भरा हुआ है, परंतु जब हम लोगों ने यहाँ पर निरीक्षण किया तो पाया कि कुछ जानवर जो हैं वो मृत पड़े हुए हैं और जो काफ़ी पुराने मृतक हैं जिनका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं कराया गया है। किसी भी जानवर की मृत्यु तत्काल की नहीं है, सभी पुराने मरे हुए हैं, पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुके हैं, उनको प्रॉपर डिस्पोजल कराते हुए उन पर मिट्टी डलाई जा रही है, लेकिन जानवरों के प्रॉपर निस्तारण ना कराए जाने के कारण यहाँ पर जो भी पशु चिकित्सा अधिकारी और सेक्रेटरी हैं उनको विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि तत्काल प्रभाव से दी जा रही है। खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में पुलिस लाइन चुरक सोनभद्र में जनपद के व्यापारी बंधुओं के साथ बैठक की गई। इस दौरान उपस्थित सभी व्यापारी बंधुओं को सुरक्षित संबंधित आवश्यक सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने अपने दुकानों संस्थानों में CCTV कैमरे का प्रयोग करने हेतु बताया गया। साथ ही साथ उनकी समस्याओं के विषय में जानकारी भी ली गई और उनके निराकरण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया और उनको सुरक्षा के संबंध में पुलिस द्वारा हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया।
खबर मैनपुरी से है, जहां के शहर कोतवाली क्षेत्र के बालाजीपुरम निवासी से एयरपोर्ट पर नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे ले लिए गए और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी पीड़ित को उपलब्ध करा दिया गया। पीड़ित ने जब एयरपोर्ट पर ज्वाइनिंग की कोशिश की तो उससे पूरी घटना के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद पीड़ित ने शहर कोतवाली में धारा 420 और 406 के तहत मामला पंजीकृत कराया। तो वहीं पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने फर्जीवाड़ा कर कमाए गए 34,000 रुपए और एक मोबाइल को भी बरामद किया है। आरोपियों को पुलिस जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। कोतवाली में हर्ष कुमार द्वारा ये शिकायत की गई कि आयुष और उसके साथी रमेश द्वारा उसे पैसा लिया गया कि एयरपोर्ट पे सर्विस दिया जाएगा। उसको बाकायदे नियुक्ति पत्र दिया गया। जब इसमें जांच की गई तो मालूम हुआ कि कई लोगों के साथ इस तरह की फ्रॉड की घटना हुई है। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया और ये दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से हमको 34,000 रुपये, एक मोबाइल और नियुक्ति पत्र बरामद हुआ है। इसमें अभी और गहनता से छानबीन की जा रही है। खबर मैनपुरी से है, जहां के कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भरतवाल की रहने वाली पीड़ित किरण देवी समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं परिजनों के साथ आज कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। जिलाधिकारी को महामहिम राज्यपाल को नामित पत्र जिलाधिकारी को सौंपते हुए बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री को अगवा कर लिया गया है, जो बीते 22 जनवरी से गायब है और पुलिस ने मामले में केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट ही दर्ज की है। 6 महीने का समय बीत गया है, ना ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई की और ना ही पीड़िता की नाबालिग पुत्री को बरामद किया है। पुलिस प्रयास कर रही है पीड़िता ने मामले की शिकायत महामहिम राज्यपाल से करते हुए मामले में कार्रवाई कराने की गुहार लगाई। हमारी किरण जी हैं, महिला सभा की विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, मंत्री से। इनकी बेटी 6 माह से गुम है और गुम सुधगी की रिपोर्ट कोतवाली मैनपुरी में दर्ज है। लेकिन अफसोस की बात, में कई बार मैंने अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा की दर्जनों बार, लेकिन इसके बाद भी इस बेचारी गरीब वो बेटी बरामद नहीं हो पाई। और आज हम लोगों ने एक सप्ताह पहले नोटिस दिया था कप्तान साहब को कि 20 तारीख तक बच्ची बरामद कर ली गया था। 21 तारीख से हम लोग महिला सभा की जिलाध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में आपने नोटिस दिया, लेकिन हम लोग धरने पे बैठे हैं, जिसके लिए हम लोग बैठे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कोयले की भट्टियां वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से धधक रही है, जबकि जनपद के अन्य क्षेत्रों में धधक रही भट्टियों को वन विभाग के अधिकारियों ने नष्ट करवा दिया। लेकिन दबंग भट्टी संचालक को स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों की साठगांठ से सरेनी क्षेत्र में भट्टियां धुआं और आग उगल रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल प्रभागीय वन अधिकारी के अनुसार भट्टी संचालक को नोटिस दिया गया है, जिस पर जल्द ही कार्यवाही होगी। मेरी जानकारी में है, उनका नोटिस गई थी, उन्होंने लीगल को हाईकोर्ट चले गए हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। ऐसा हाईकोर्ट ने भी कुछ नहीं है, लेकिन कार्रवाई हो रही है बहुत जल्दी। हम लोग अभी दर बीच में अतिव्यस्तता के कारण से नहीं हो पाए, लेकिन बहुत जल्दी निकट आपको 1-10 दिन में आपको कार्रवाई के बारे में जानकारी मिलेगी। राष्ट्रपति चुनाव में मतगणना जारी है, वोटों की गिनती के 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। अब एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है। यशवंत सिन्हा से काफी आगे निकलती हुई वो हर राउंड में दिखाई दी। द्रौपदी मुर्मू की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी और अब निर्णय सामने आ चुका है। आज हम सब भारतवासियों के लिए हर्ष का दिन है, जब आजाद भारत में पहली बार देश के सर्वोच्च पद पर अनुसूचित जनजाति की हमारी बहन, जिन्हें हम प्यार से दीदी कहते हैं, आदरणीय द्रौपदी जी राजक की प्रत्याशी हुई। 18 तारीख को चुनाव हुआ, आज मतगणना प्रारंभ है और संकेत ही नहीं पूर्ण आभास हो चुका है कि ये चुनाव हम जीत चुके हैं और देश को 15वें राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय द्रौपदी जी मिली हैं। मैं आप सब के चैनल के माध्यम से देशवासियों को
बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खबर गोरखपुर से है, जहां चलने वाली एक सरकारी बस की छत से पानी टपकने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद परिवहन विभाग के अफसरों में खलबली मच गई, जिसके बाद परिवहन विभाग के RMP के तिवारी ने ड्राइवरों और कंडक्टरों से इस खस्ता हाल बस की जानकारी ली और बस को मरम्मत कराने के आदेश दिए। ये तो विभाग के आदेश है कि कोई भी टूटी हुई बस को ना भेजा जाए, और यदि भेजा गया है तो ये विभाग के उस डिपो के फोरमैन की जिम्मेदारी है, उसकी लापरवाही है। और इसमें अभी मैंने आप ही के सामने ARM से बात किया, और जब इसकी जानकारी हुई तो ARM साहब ने वो गाड़ी को मंगवा करके वर्कशॉप में खड़ी करा दी है। ये विभाग के आदेश है, कोई भी टूटी हुई बस को नहीं, हमारे स्तर से भी कई बार आदेश। अयोध्या पहुंचे खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने मसौदा CHC का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री को कई कमियां मिली, वहीं मंत्री ने कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए। रिकॉर्ड रूम में रजिस्टर व्यवस्थित नहीं मिलने पर रजिस्टर को मेंटेन करने के निर्देश भी दिए गए। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में आज जनपद अयोध्या में ये CHC मसौदा का निरीक्षण किया गया। यहाँ की OPD और मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं हमने देखा है, जहाँ पर भी कुछ कमी प्रतीत हुई उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर ढंग से मिलें, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता यहाँ पर है, कहीं किसी प्रकार का जो भी कमी है उसको दूर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मैनपुरी में पुलिस को सफलता मिली है, जहां पुलिस ने ट्रैक्टर लूट की झूठी सूचना देने वाले शातिर अपराधी को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। वहीं मैनपुरी पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने इसकी जानकारी दी। घटना का जब अनावरण हुआ तो पाया गया कि यह सुभाष की लड़की से प्यार करता था, जिसके चक्कर में इनके द्वारा सुभाष को फंसाने की नियत से इसके द्वारा स्वयं ही ये घटना कारित की गई। ले जाकर के वहां तमंचा रखा गया और ट्रैक्टर को गायब किया गया। ये एक तरफा प्यार में ये किया गया है। इस संबंध में इसे बरामद तमंचा और ट्रैक्टर भी इसके बरामद हुआ है। इसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां गांव बनियनपुरवा में दिन दहाड़े धड़ल्ले से हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। साथ ही जिम्मेदार वन विभाग पुलिस एवं राजस्व के अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से अवैध कारोबार फल फूल रहा है। बता दें कि गोंडा जनपद के थाना कटरा बाजार के मौजा परसौना के बनियनपुरवा का ये मामला है। यूपी के फतेहपुर जिले में एक युवक ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म जनेऊ धारण कर अपना लिया है, जिसके बाद हनुमान मंदिर के पुजारियों ने हवन पूजन करते हुए जनेऊ धारण करवाया और जमील को देख मंदिर के पुजारियों ने नामांकन किया, जहां उसका नाम जमील अहमद की जगह श्रवण कुमार रखा गया। मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ से जो मेरी आवाज़ थी उसके आधार पर मैंने हिंदू सनातन धर्म को स्वीकार किया है और उसी पर मैं आगे अग्रसर रहा हूँ। ऐसा क्यों? मेरी अंतरात्मा की आवाज़ थी, मैंने समाज में देखा कौन सा धर्म क्या है। जिस दूर धर्म में जो था वहाँ पे बहुत ही कुरीतियाँ, बहुत ही प्रताड़नाएँ ये सब थी, जिनके कारण मैं क्षुब्ध होकर के मैंने कहा कि अपना सच जो है धर्म है उस पर मैं लौटना चाहता। अलीगढ़ के थाना पिसावा क्षेत्र के गांव शाहपुर निवासी एक महिला ने दबंग पड़ोसी पर मारपीट का आरोप लगाते हुए बताया कि दबंग पड़ोसी आए दिन गाली गलौज करता है और विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाता है। इसी को लेकर दबंग ने गालियां देना भी शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर दबंग ने लाठी डंडे से मारपीट की, एक युवक को घायल कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा और मामले की जांच में जुटी। आज कुछ नहीं, किसी ने उसकी लड़की से कुछ कह दिया, वो हमारी मम्मी का नाम लगा, तो मम्मी बोली मैंने कुछ ना कही, नहीं बात करा किसी वजह से। फिर उसने मारपीट कर दी आपके साथ? कितने लोग थे वो?
हो जी। आपके साथ ये बोल रहे हैं, ये कौन है आपके? मेरा भाई है, ताऊ का लड़का। ताऊ का लड़का है, क्या नाम है उसका? सचिन। सचिन, और इसके पिताजी का? औरैया में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ऑटो पलटने से मार्ग में मामी भांजे की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर दो को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र का ही मामला है। आज दोपहर 12 बजे के आसपास एक टेम्पो जिसमें चार लोग सवार थे, कानपुर देहात के राजपुर से औरैया की तरफ आ रही थी, उसमें जो सवारियां थी दो लोग उसमें कानपुर कस्बा औरैया के रहने वाले थे और ऑटो ड्राइवर भी औरैया का ही रहने वाला था। जब ये ऑटो कुरवा रोड के सामने पहुंचा है तो बरसात की वजह से ड्राइवर रुक करके उसके पर्दे सही करने लगा। इसी बीच पीछे से आ रही एक अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर होने से मौके पे ही बिस्मिल्ला पत्नी इदरीस और जैनब पुत्री इजराइल निवासी खानपुर और बिस्मिल्ला जो है राजपुर की रहने वाली थी, दोनों की मौके पर ही डेथ हो गई। जातिवाद का जहर आज भी हमारे समाज में किस कदर फैला हुआ है, ये देवरिया की एक दिल दहला देने वाली वारदात से समझा जा सकता है, जहां एक महिला की उसके पति के सामने सास ससुर मामा देवर और नंद ने कथित तौर पर निचली जाति का बताकर बेरहमी से पिटाई कर दी। हैवानियत सवार लोगों ने महिला के साथ पहले तो हाथापाई की, उसके बाद धारदार हथियार से हमला कर दिया। बुरी तरह से जख्मी महिला मौके पर ही बेहोश हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां जिला अस्पताल में पीड़ित तो महिला का इलाज चल रहा है। कई महीनों से हमारे पास घटनाएं हो रही है, हमारे साथ काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। कल रात को भी हमारे पर बहुत बड़ा मतलब घटना हुई हमारे साथ कि हमारे ससुराल वाले जो कि मेरे परिवार है 10-11 लोग थे, उन लोगों ने हमारे पर हमला किया है, चाकू मारा गया है, मेरे प्राइवेट पार्ट में सिलेंडर डाला गया है, रोड डाली गई है और काफ़ी मोबाइल वगैरह करके मेरे को बहुत मारा था। मेरा पति है उसको भी चाकू आपको मार के उसको भी काफ़ी मारपीट करी गई है। पुलिस वाले है कि कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग गुड़गांव जाने की प्लानिंग कर रहे थे, इसी बीच सर क्या हुआ कि जब हमें जो है हम रात को 1 बजे के आसपास सोए और सोने के बाद से सर तकरीबन कुछ अराउंड 2:30 से 3 बज रहा होगा उस टाइम पे, तो जो है मैंने जो देखा कि मेरी वाइफ जो है मेरे पास नहीं है और मेरे ऊपर किसी ने रॉड से मारा है मेरे पैर पर, और मेरे जो पापा हैं मेरी जो चाचा की लड़की है वो मेरा जो है सर तकिए से दबा रखा है, और जो मेरे दो मामा और हैं शेषनाथ सिंह इंद्रजीत सिंह वो मेरे को अलग डंडे से और एक चाकू था इंद्रजीत सिंह ले रहा। क्या चाहते हैं आप? सर पुलिस की भूमिका बिल्कुल, मदनपुर पुलिस जो है सचो साहब हमेशा NCR करके भेज देते हैं, हमारे साथ मारपीट भी होती है, कैसा भी मारपीट हो वो NCR करके भेज देते हैं, हमें गुमराह करते हैं, दो दो दिन थाने में बिठा के रखते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम बेटी के साथ। क्या नाम आपका? नाम क्या? मेरा नाम सतीश कुमार सिंह है सर। ये जनपद देवरिया में मदनपुर थाना क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें एक पीड़िता द्वारा अपने ही परिवारजनों सास ससुर देवर ननद इत्यादि पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संदर्भ में मदनपुर थाना में सुसंगत धाराओं में अभी पंजीकृत किया जा चुका है और विवेचना चल रही है, जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में थाने से कुछ दूर CO ऑफिस से चंद कदमों पर दो पक्षों में विवाद हो गया। मामूली सा विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ ही देर में महिलाओं और पुरुषों में जमकर लात घुसे और डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि दोनों पक्ष के लोग लगभग आधे घंटे तक तांडव मचाते रहे, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना। आज एक वीडियो आया था जिसको संज्ञान में ले गया तो पता चला कि ये थाना साहबाग के गांधीराम कॉलोनी का है, जिसमें दो महिलाएं आपस में झगड़ रही थी, इसकी वजह से काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तत्काल थाना प्रभारी साहबाग को निर्देशित किया गया कि मौके पर जाके जांच पड़ताल करके उचित विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। खबर हरदोई के बेनीगंज थाना क्षेत्र से है, जहां एक महिला ने 3 आरोपियों पर ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने का
आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि वो अपनी सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट गई थी, इसी दौरान आरोपियों ने युवती का फोटो खींच लिया और उसे ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण किया। महिला ने बताया 4 वर्षों में आरोपियों ने 20 से 25 लाख रुपए भी महिला से ठग लिए है। आरोपी शारीरिक शोषण करते हैं और उसके पति को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद महिला ने इसकी शिकायत की और कहा कि अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है तो उसके पास अंतिम विकल्प आत्महत्या है, जिस पर एएसपी पश्चिमी ने महिला की शिकायत पर पुलिस को जांच कर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। थाने से हम आए हुए हैं लड़कियों के साथ, मतलब लड़कियों के साथ कुछ 3 लोग थे, तो उन्होंने बलात्कार किया, गंदी फोटो वीडियो बनाए, फिर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे और सोना मेरा 20 लाख तक उन्होंने ले लिया है और जहां बुलाते थे हम वहीं जाते थे, फिर भी ब्लैकमेल करना मुझे बंद नहीं कर रहा, मेरे हस्बैंड को और बच्चे को मारने की धमकी दे रहे हैं वो लोग, प्लीज़ हमें न्याय मिलना चाहिए। ये एक महिला है, ये बता रही है कि 2018 में कानपुर में एक व्यक्ति से इनका जो है वो ब्लैकमेलिंग किया, तो इनसे उसका संबंध हो गया और उसको लेकर वो धमकी देता था कि हम इनका फोटो वायरल कर देंगे और इसको लेके इनसे कई बार पैसे भी लिए हैं और बीच में 2021 में बता रही हैं कि ये बेनीगंज क्षेत्र में भी आए थे दिसंबर 2021 में और यहाँ पर आकर भी उन्होंने ज़बरदस्ती संबंध बनाए हैं और इनसे करीब 20 लाख रुपये ऐट लिए हैं और इनके पति को भी जान से मारने की धमकी देते हैं। इस इनके प्रार्थना पत्र का संज्ञान लिया गया है और जांच के लिए भेजा गया है, जांच करके इसमें अभियोग जो भी होगा पंजीकृत की जाए। खबर अमेठी की सबसे बड़ी ग्राम सभा जंगल रामनगर से है, जहां ग्राम सभा में खारे पानी की जबरदस्त समस्या है। इस गांव के लोगों को मीठा पानी नसीब नहीं है, जहां दर्जन भर गांवों में जबरदस्त खारा पानी मिलता है जिससे पशु पक्षी अथवा जानवर भी नहीं पी पाते हैं। ऐसे में ग्रामीणों को बड़ी ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये इलाका अमेठी का बुंदेलखंड बना हुआ है, जहां आज भी लोगों को मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है। इन गांवों में ग्रामीण सरकार से समस्या के समाधान के लिए आस लगाए बैठे हैं। यहां पे पानी की समस्या बहुत बड़ी है, ये क्या कहते हैं, यही एकलौता नल है जो कि यहाँ पे सारे गांव के आदमी पानी भरते हैं, उसके बाद ये खारा पानी है, यहाँ से हम जानवरों को और आदमियों को सबके लिए यहीं से पानी जाता है। हम लोग कई बार यहाँ पे गए थे, बीजेपी कार्यालय भी गए, उसके बाद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति से भी अपील किए थे, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, लगभग 1.5-2 हज़ार लोग आते हैं और हम यहाँ कारखाना लगाए हैं, इसको हो गया हमारा 18 साल हो गया है, 18 साल से जब लगाए यहाँ से तब से जो है यहाँ पर लोग पानी भरने के लिए आते हैं और काफ़ी लोग आते हैं जो है 5-6 गाँव यहाँ पानी भरने के लिए आता है जो है। हम पद पे तो हैंडपम्प हेल्पर के पद पे हैं। तो ये बताइए, ये टंकी कब चलती है जल निगम की और कितने समय तक? ये सुबह 6 बजे चलती है और क्या कहते हैं 7:30 बजे बंद कर देते हैं। क्यों 1.5 घंटे ही क्यों चलती है ये टंकी? में चूता है, पानी रुकता नहीं है। क्या टंकी की हालत गंभीर है, गिरने वाली है? देखिए, जंगल रामपुर रामनगर हमारी 1981-82 में योजना बनी थी जिसमें स्टैंड पोस्ट के माध्यम से पेयजल आपूर्ति हो रही थी, क्योंकि मल्टी ग्राम पंचायत की योजना होने के कारण रखरखाव जल निगम ही कर रहा था। उसके लिए फर्म नामित की गई है गायत्री और उसको जो इनका पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें हर घर जल भी दिया जाना है और इसके लिए सर्वे कार्य और DPR कार्य प्रारंभ है, जिसमें 31 DPR हमारी बन भी गई हैं और यहाँ से चली भी गई हैं, जिसमें जंगल रामनगर भी शामिल है, जिसका सर्वे और कार्य कर लिया गया है और ये हम 2024 तक इसको भी पुनर्गठन करते हुए समस्या का निदान कर रहे हैं। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।